हर फील्ड में उन्होंने कुछ ना कुछ अलग किया है, कुछ ना कुछ बड़ा किया है, और इसीलिए उनकी उपस्थिति ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, बहुत हर एक क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे, रुक्मणी कुमारी जी मौजूद हैं। और रुक्मणी जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि शुरुआत कैसे हुई कि हमको राजनीति में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, और क्या ख्याल थे उस वक्त मन में, लग रहा था कि अभी इस मुकाम तक आप पहुंच पाएंगी? पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं एक राजनीतिक परिवार से ही आती हूँ। मैं गुजरात से आती हूँ और मेरे फादर MLA रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर स्पीकर ऑफ गुजरात रहे हैं, ये शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है। जब मेरी शादी यहाँ पे चोमू में हुई है और जब मेरे हस्बैंड जो आर्मी ऑफिसर थे और जब उनकी डेथ हो गई थी कश्मीर में आज 2011 में, उसके बाद मुझे ज़रूर लगा कि एज अ लेडी, एज अ वुमन मुझे कुछ अलग करना है। तो पहले तो शुरुआत मैंने स्टार फाउंडेशन से की, जहाँ मैंने महिलाओं और बच्चियों को स्किल सेंटर्स कैसे खोल सकते हैं, उनको उनका जीवन कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो कार्य शुरू किया। उसके बाद क्योंकि मैं एक राजनीतिक एटमॉस्फेयर से आती थी, तो मैंने ये विचार किया कि क्योंकि गांव में उस समय स्टार फाउंडेशन की वजह से गांव में मेरा आना जाना रहता था, लोग महिलाओं से ज़्यादा मुलाकात होती थी, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें ऐसी स्पेस नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि अगर मुझे ज़्यादा बदलाव करना है, बड़ा चेंज लाना है, तो मुझे राजनीति में आना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं राजनीति में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा सा छोटा बदलाव और इंस्पिरेशन में बहुत सारी महिलाओं को दे पाती हूँ। शुरुआत से लेकर अब कितना बदलाव आप महसूस कर पा रही हैं? जब आ रही थी तब कितना कैसा माहौल था? क्योंकि अभी ये कहा जाता है कि बहुत सेफ नहीं है राजनीति आपके लिए, आप घर में रहिए या फिर कुछ और चुनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन राजनीति में मत जाइए, वो सेफ नहीं है। अभी कितना बदलाव आप महसूस कर पा रही हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जब शादी करके आई तब घूंघट में थी हमारे, और वहाँ घूंघट से लेके अभी तक का जर्नी रहा है मेरा। मुश्किलें तो बहुत है महिलाओं के लिए, पर नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं आपको ये फिर कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं को भी, और जो भी आपके जो सुन रहे हैं, आप में अगर विश्वास है और आप में कुछ करने का जज्बा है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बहुत कोशिशें होंगी आपको पीछे करने की, आपको खींचने की, आपको बिठाने की, लेकिन जहाँ पर आपने ठान लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, बस निकलना है, मंजिल तक पहुँचना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी, ये तय है। मैमुना नरगिस जी, आर्ट कंजर्वेटर, बहुत सारे लोग ये अलग अलग प्रोफेशन चुनते हैं, आर्ट कंजर्वेटर बनना ही क्यों सबसे अहम बात? देखिए, हम इधर धर्म पे नहीं जाते हैं, लेकिन मुस्लिम्स में पर्दा